लाखों दिलों की धड़कन चुराने वाली, हर किसी को अपनी अदा से कायल करने वाली, अपने डांस मूव्स से आग लगा देने वाली करिश्मा कपूर आज 50 साल की हो गई हैं। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना आपको बताई जाए एक्टर की चार रिमार्केबल फिल्म्स जिन्हें कोई भुलाए नहीं भूल सकता। नंबर 1, राजा हिंदुस्तानी। जिस फिल्म ने करिश्मा कपूर को इंडस्ट्री में असल पहचान दिलवाई थी वो राजा हिंदुस्तानी ही थी। फिल्म एक टैक्सी ड्राइवर राजा की कहानी पर आधारित है जो एक अमीर लड़की आरती से प्यार करता है और उसके माता पिता की इच्छा के विरुद्ध उससे शादी भी कर लेता है। टैक्सी ड्राइवर का किरदार जहां आमिर खान निभाते हैं तो वहीं अमीर लड़की का किरदार करिश्मा कपूर। 90s की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल में से एक ये फिल्म आज भी लोग बड़े चाव के साथ देखते हैं। नंबर 2, हम साथ साथ हैं। 1999 की सबसे धांसू फिल्म और इंडियन सिनेमा की सबसे पारिवारिक फिल्मों में से एक हम साथ साथ हैं में भी करिश्मा कपूर ने अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा था। स्वराज बड़जात्या द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, मोहनीश बहल और तब्बू जैसे आला कलाकार भी हैं। नंबर 3, हीरो नंबर 1। गोविंदा और करिश्मा कपूर की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मानो बवाल ही मचा गई थी। फिल्म में डांस, कॉमेडी, एक्शन सब कुछ इतना भरपूर है कि कोई बोर ही नहीं हो सकता। डेविड धवन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में गोविंदा, बरिश रावल, कादर खान, टीकू तलसानिया और सतीश शाह भी हैं। नंबर 4, दिल तो पागल है। दिल तो पागल है एक डांस ट्रूप के डायरेक्टर राहुल की कहानी है। फिल्म में करिश्मा कपूर निशा का किरदार निभाती हैं, जो राहुल के ही डांस ट्रूप का एक हिस्सा है, जिसे मन ही मन राहुल लेके शाहरुख खान से प्यार हो जाता है, लेकिन राहुल पूजा को पसंद करता है। इस लव ट्रायंगल में आगे क्या होता है ये आपको देखना पड़ेगा इसी फिल्म में। यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, फरीदा जलाल और अरुणा ईरानी भी हैं। तो देखिए, डांस से लेकर कॉमेडी तक हर किसी को अपने टैलेंट का मुरीद बनाने वाली करिश्मा कपूर को इंडिया टीवी शोबिज की तरफ से अ वेरी हैप्पी बर्थडे।